छाती में दर्द उठने पर लोग हार्ट अटैक की संभावनाओं के कारण परेशान हो जाते हैं। उनके लिए छाती का दर्द मतलब दिल का दौरा ही होता है, जबकि सीने का दर्द हार्ट अटैक के अलावा कई अन्य प्रकार की बीमारी का भी लक्षण होता है। छाती में दर्द होता है तो हार्ट अटैक ही नहीं, इन बीमारियों का भी हो सकता है लक्षण। छाती के दर्द कई कारण हो सकता है, पेट में अल्सर, गैस्ट्रिक और टीबी जैसे रोग भी सीने में दर्द के कारक हैं, इसलिए इसे हमेशा हार्ट अटैक से जोड़कर डरने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर छाती में दर्द उठने पर लोग हार्ट अटैक की संभावनाओं से परेशान हो जाते हैं। उनके लिए छाती का दर्द मतलब दिल का दौरा ही होता है, जबकि सीने का दर्द हार्ट अटैक के अलावा कई अन्य प्रकार की बीमारी का भी लक्षण होता है। छाती के दर्द के कई कारण हो सकता है, पेट में अल्सर, गैस्ट्रिक और टीबी जैसे रोग भी सीने में दर्द के कारक हैं, इसलिए यह हमेशा हार्ट अटैक से जोड़कर डराने की जरूरत नहीं है। हालांकि सीने में किसी भी तरह का दर्द को दूर करने के लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए किसी भी समस्या का पता चलने के लिए डॉक्टर से संपर्क करने के लिए ही अच्छा है। अत्यधिक तनाव भी सीने में दर्द का कारण होता है, साथ ही थकान, श्वास लेने के लिए तकलीफी और चक्कर आने जैसी लक्षण भी दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर हृदय से रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में किसी तरह का विकार सीने में दर्द पैदा होता है। यह धमनियों के माध्यम से रक्त को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। जब हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला तो सीने में दर्द उठना शुरू हो जाता है। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए नियमित खान पान और व्यायाम जरूरी है। तेज कदम से चलना, बैडमिंटन या टेनिस खेलना, सीढ़ियों चढ़ना जैसे छोटे मोटे व्यायाम सीने में दर्द की संभावना को कम करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा खान पान में फाइबर की मात्रा में बढ़ोतरी और कैलोरी की मात्रा कम भी सीना संबंधी संबंधित विकारों से बचा जा सकता है। धूम्रपान करने के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसे छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा खुश रहकर भी हृदय संबंधी बीमारियों में लाभ हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और वीडियो के नीचे लाल रंग की बटन और शुद्धि और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।